हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस एंड वेरिएशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ में बताया गया है कि व्हेन क्रॉस अकर बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंस एंड होमो रिसेसिव कैरेक्टर, देन इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंस ट्रेट अपीयर एंड दिस ट्रेट सेल्फ क्रॉस इनटू F2 जनरेशन, देन द ट्रेट्स बिकम इंडिपेंडेंट। क्या मतलब हुआ कि जब हम डोमिनेंस में और रिसेसिव में ट्रेड कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन में डोमिनेंस ही आता है, लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो है हम क्या करेंगे सेल क्रॉस कराएंगे, तो वह जो प्रोजेनी होगी वह इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जो मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ था वह हम समझा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, इस लॉ को हम क्या करेंगे डाई हाइब्रिड जो है क्रॉस से इसको समझते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस से इस लॉ को हम समझते हैं। डाई हाइब्रिड क्या करता है, देखिए प्योर प्योर राउंड येलो सीड प्योर रिंकल्ड रिंकल्ड ग्रीन सीड। दो तरह का सीड लिया गया, एक राउंड येलो लिया गया, दूसरा जो है रिंकल्ड ग्रीन लिया गया। राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड। जो राउंड येलो सीड है वह सीड बिल्कुल गोलाकार है। राउंड येलो सीड है, दूसरी जो सीड है वह कैसी है? रिंकल्ड ग्रीन सीड है। जो सीड है वह ऐसा रिंकल्ड है और ग्रीन है, अर्थात यह डोमिनेंस ट्रेड रिप्रेजेंट करता है इस सीड का, और एक इस सीड का रिसेसिव ट्रेड रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के अगर हम जीनोटाइप बारे बात करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई इससे करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका जब हम बनाएंगे जीनोटाइप्स तो एक आर ये हो जाएगा और एक वाई ये हो जाएगा। इसका बनाएंगे एक आर एक वाई, दोनों में क्रॉस करा देंगे तो क्रॉस करने पर क्या मिलेगा हमको? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखा कि डोमिनेंस है रिसेसिव है, डोमिनेंस है रिसेसिव है। मैंने कहा था कि कैपिटल के साथ अगर स्मॉल कोई है तो डोमिनेंस कैपिटल वाई होगा, स्मॉल क्या होगा? रिसेसिव होगा। ये जो है F1 जनरेशन की प्रोजेनी है, F1 जनरेशन की प्रोजेनी है। कैसा है? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ रिसेसिव हो गया, राउंड येलो डोमिनेंस है। यहाँ लिखेंगे हाइब्रिड नॉट प्योर, हाइब्रिड राउंड येलो सीड। यह क्या होगा बेटा? हाइब्रिड राउंड येलो सीड हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे F2 जनरेशन क्या करेंगे हम लोग सेल्फ क्रॉस कराएंगे। तो कैसे होगा ये सेल्फ क्रॉस F2 जनरेशन में? इसको भी देखते हैं। ये क्या मिला था हमारा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे जब हम गैमेट्स बनाएंगे F2 जनरेशन के लिए तो क्या गैमेट्स बनेगा? इससे करा दो, इससे करा दो। समझ आ रहा है? यह इससे क्या चलेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई।
स्क्वायर बन गए, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, क्या बोलते हैं पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। हम इनको थोड़ी देर के लिए मेल कर देते हैं, इन्हें मेल कर देते हैं, दोनों क्रॉस करते हैं। जब सेल क्रॉस होगा तो वही गैमेट्स रहेंगे, गैमेट्स चेंज नहीं होंगे। इसमें क्या बताएंगे हम लोग, इसका इससे क्रॉस होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, वैसे इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर वाई वाई ठीक है। यहाँ देखिए आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर 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 वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। ये हो गया F2 जनरेशन में इसका सेल क्रॉस हुआ, इतने गैमेट्स बने, चार चौके 16, 4 4 16 हो गया, ये 4 हो गए, 4 4 16 कितना हो जाएगा, 16 बन जाएगा, 1 2 3 4 और 4 16। यहां देखिए ये हो गया राउंड येलो, 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 क्योंकि इसमें जो रिंकल निकली क्या है रिसेसिव है, यहां क्या हो गया राउंड येलो, यहां क्या हो गया राउंड ग्रीन, यहां क्या हो गया राउंड येलो, यहां क्या हो गया राउंड ग्रीन, यहां हो गया राउंड येलो, यहां क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड येलो, राउंड येलो, यहां क्या हो गया आपका रिंकल्ड येलो, यहां क्या हो गया रिंकल्ड येलो, राउंड राउंड येलो, यह क्या हो गया राउंड ग्रीन, ये क्या हो गया रिंकल्ड येलो, ये क्या हो गया रिंकल्ड ग्रीन। अब यहां बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो के बारे में, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो पहले हम बात करते हैं राउंड येलो के बारे में, राउंड येलो कितना है, तो राउंड येलो काउंट करो 1 2 3, ये भी तो राउंड येलो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर राउंड येलो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितना है, राउंड ग्रीन काउंट करो, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन 3,